हेलो गाइस, सीरियल फना इश्क में मर जाऊँ है और सीरियल नीमा डुंजुपा की हो गया सीज़न की हैप्पी एंडिंग। आज दिखाया जाएगा दोनों का लास्ट एपिसोड। जी हाँ, यहाँ पे बात करें अगर फना इश्क में मर जाऊँगी तो वहाँ पे जो है हैप्पी एंडिंग दिखाई गई और मीरा का अंत दिखाया गया। यहाँ पे फैंस को है जो मीरा का अंत है, जो सीरियल की एंडिंग है, काफ़ी पसंद आने वाली है, क्योंकि मीरा का एंड है जो उसको पनिशमेंट मिलती है वो वैसी मिलती है जैसी कि वो डिज़र्व करती थी। उसने अगस्त को बचपन में सजा दी थी आग लगाने की, और यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि बप्पा द्वारा ही उसको जो है सजा दी जाती है और वो आग में झुलस के मर जाती है और उसका एंड हो जाता है। वहीं पे दिखाया जाता है कि पाखी अगस्त्या के साथ एक छोटा बेबी यानी कि घर में आया एक नन्ना मेहमान, और उसके साथ ही पूरा परिवार खुश होता है और वेलकम करता है एक छोटे से बच्चे का। उसके बाद दिखाया जाता है कि सारा परिवार मिलके और फोटो शूट करता है, बहुत प्यारा वो शूट होता है, और उसके साथ ही सीरियल एपिसोड और सीजन का जो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उसके साथ बात करें आगे नीमा ढुंजप्पा की, तो नीमा आई बस्ती वालों की हेल्प से और सुजाता को पुलिस को पकड़ाती है और वहीं पे विराट और नीमा को बचाती है। लेकिन यहाँ पे नीमा के इसके बीच नीमा के जो है छुरा लग जाता है और वो बहुत जख्मी हो जाती है। इसके बाद नीमा को हॉस्पिटल जाया जाता है, वहाँ पे नीमा की जान बच जाती है और वो ठीक हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है जो नीमा और विराट है अपने घर वापस आते हैं और वहाँ पे आकर अपनी खट्टी मीठी यादों को याद करते हैं, और उसके बाद नीमा को मिलती है एक खुशखबरी के सिया की प्रेगनेंसी की। यहाँ पे दिखाई जाती है एक बहुत ही प्यारी हैप्पी एंडिंग। वेल गाइज, अभी देखना ये होगा कि दोनों सीरियल फना इश्क में मर जावा और नीमा डुंजप्पा अपना कम बैक करते हैं कि न्यू सीजन के साथ या नहीं, और आप कितना इन सीरियल को मिस करोगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी और अपडेशंस के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई अपडेशन के साथ। थैंक यू गाइस।